उपायुक्त कोडरमा आदित्य रंजन के पहल से जिले के कुल 19 सरकारी विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। हाई स्कूल कोडरमा और सिडी बालिका उच्च विद्यालय झुमरी तिलैया उन्हीं विद्यालय में से एक है। मॉडल स्कूल हेतु मंजूरी मिलने के पश्चात से विद्यालय में कई विकास कार्य होने शुरू हो गए हैं। साथ ही छात्राओं के बीच भी कई तरह के प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को इसी क्रम में हाई स्कूल कोडरमा में डिबेट क्लब एवं सिडी बालिका उच्च विद्यालय झुमरी तिलैया में थिएटर क्लब का गठन किया गया। इस तरह के क्लब का गठन करने का उद्देश्य यह है कि इससे छात्राओं का सर्वांगीण विकास हो सके। हाई स्कूल कोडरमा विद्यालय में डिबेट क्लब के गठन हेतु सर्वप्रथम बच्चों के बीच कोरोना काल में बाल शिक्षा के समक्ष समस्याएं एवं चुनौतियों विषय पर चर्चा करवाया गया। इस कार्यक्रम में करीब 20 बच्चों ने हिस्सा लिया एवं चर्चा में सही ढंग से एवं अच्छे से अपनी बातों को रखने वाले 6 बच्चों को डिबेट क्लब के सदस्य के रूप में चुना गया। चुने गए बच्चों में अध्यक्ष सचिन कुमार, उपाध्यक्ष प्रियंका वर्मा, सचिव निशु कुमारी, सहसचिव मालिनी प्रभा, सदस्य रानी प्रवीण, राखी कुमारी और रामजी सिन्हा शामिल हैं। वहीं सिडी बालिका उच्च विद्यालय में थिएटर क्लब का गठन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 40 छात्राओं ने हिस्सा लिया और ऑडिशन के माध्यम से 6 छात्राओं का चयन किया गया जो थिएटर क्लब का नेतृत्व करेंगी। चुने हुए छात्रों में अध्यक्ष की भूमिका अंकिता पांडे, उपाध्यक्ष श्रेया कुमारी, सचिव नैना कुमारी, सहसचिव आतिया तौहीद और सदस्य के रूप में निर्जला एवं सिमरन को चुना गया। आने वाले समय में यह क्लब अलग अलग सामाजिक मुद्दे समस्याओं पर नाटक करेंगे। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य, सभी शिक्षकगण, PMU सदस्य विशाल कुमार एवं आरती सिन्हा, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के धनपाल, असीता, आराध्या एवं विद्यालय के सभी बच्चे उपस्थित थे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। Never miss an update.